हेलो गाइस, मेरा नाम है स्मित्र रंजन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक टेक्नो। आज का जो वीडियो है बिल्कुल ही टेक्निकल रिलेटेड नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ मेरे ऊपर बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन लग रहे हैं और बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मुझे उसके बारे में। मैं उसके ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो पिछले वीडियो में जो लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट दिया था, बहुत ही अच्छे कमेंट दिया था, उन लोगों का कमेंट आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक गाइस। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेरे सब्सक्राइबर लोगों के बारे में। यहाँ पे 66% लोग जो मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्यों भाई क्यों? क्या मेरे बड़े बड़े दांत है? क्या मेरे लंबे लंबे नाखून है? क्या मेरा मुंह बंदर जैसा दिखता है? क्या मैं नाश्ते में बच्चे खाता हूँ? क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्यों? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे हैं उसके ऊपर, और कुछ कॉल्स भी आ रहा है। कॉल्स ऐसे आ रहा है कि वीपीएन यूज करके कॉल कर रहे हैं उन लोग, और नंबर जो है कुछ अलग तरीके का डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अब स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है वो नंबर थोड़ा अलग तरीके सा है। ऐसा लग रहा है कि नंबर वीपीएन यूज करके चेंज किया गया है। अगर आप कॉल लगा रहे हैं उस नंबर पे तो नॉट रीचेबल आ रहा है, नंबर नहीं लग रहा है। अगर आप नंबर पे कॉल करेंगे तो बता रहे हैं कि भाई इनकमिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन दैट नंबर। तो ये नंबर जाहिर है कि वीपीएन यूज करके कॉल किया गया है, जो कि कॉल बाउंस हो रहा है। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने एक अनबॉक्सिंग किया था ब्लूटूथ स्पीकर का, जो कि एक इन्फिनिटी का था, JBL कंपनी का। तो वो वीडियो के ऊपर मेरा एक कमेंट आया था, एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि भाई तूने बॉर्डर पे इतना सारा चीज होने के बाद कैसे क्या इससे वीडियो बना रहा है, कैसे क्या चाइनीज चीज को प्रमोट कर रहा है। तो वही सेम टॉपिक के बारे में मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे व्यूअर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही, इसलिए मैं क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं दूसरा वीडियो प्लान किया था बनाने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर वन ये है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता, चाहे वो मेड इन इंडिया हो, मेड इन जापान हो, मेड इन चाइना हो या मेड इन USA हो, मैं कोई भी चीज़ें प्रमोट नहीं करता। और पॉइंट नंबर टू है कि मैंने जो ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग किया था वो JBL Infinity का था, जो कि है एक अमेरिकन कंपनी। JBL Infinity जो कंपनी है उसका कोर ब्रांड का नाम है हॉर्मन इंटरनेशनल, जो कि है एक अमेरिकन ब्रांड। भाई ये चाइनीज ब्रांड नहीं है, चाइनीज ब्रांड नहीं है, ये मेड इन अमेरिका है, ये चाइनीज ब्रांड नहीं है। और पॉइंट नंबर थ्री ये है कि भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं। अगर आप मोबाइल मान लीजिए, मोबाइल तो ऐसे इंडिया में कुछ बनता भी नहीं पूरा, अगर प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा उसका इंडिया में बना हुआ है। तो ऐसा हुआ रहता है कि बाहर से वो सारे कंपोनेंट्स बना हुआ रहता है, वो इंडिया में आके खाली असेंबल होता है, ना कि पूरा का पूरा इंडिया में ही बनता है। वैसे ही अगर मेड इन चाइना लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो बाकी का सारा प्रोडक्ट तो बाहर से बन के चाइना में आके असेंबल होकर यहाँ आया, क्योंकि उसके कोर कंपनी जैसे अब मैंने बताया कि मेड इन अमेरिका है, तो चाइना वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। हालांकि वो सारी चीजें आसानी से असेंबल कर सकता है वो, ना कि बना सकता है। और चौथा पॉइंट ये है कि भाई मुझे कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए दो पैसा नहीं मिलते, तो मैं क्यों प्रमोट करूँ कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो मेड इन इंडिया हो या मेड इन चाइना हो, मैं क्यों करूँ भाई क्यों? तो पॉइंट नंबर फाइव ये है कि मेरा तो बस 200 सब्सक्राइबर है, क्या इतने कम सब्सक्राइबर में मुझे कोई भी कंपनी प्रमोट करने के लिए एक प्रोडक्ट दे सकता है? नहीं दे सकता भाई, आप सोचिए, प्रैक्टिकल सोचिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर सिक्स है कि जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बचा चुका हूँ, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है बॉयकॉट चाइना का, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ कहीं पे तो एक लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं मेड इन चाइना है, जो कि यहाँ आप मार्केट से जाके बाय करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप चाइना जाके बाय कर रहे हो वो सारे चीजें, भाई आप इंडिया से बाय कर रहे हैं, वो सारे चीजें ऑलरेडी इंडिया ने परचेज किया हुआ है। अगर हम सच में बायकॉट करना चाहते हैं चाइना को, तो हमको इम्पोर्ट बंद करना पड़ेगा, ना कि हमने जो प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद लिया हमारे मार्केट में है उसको खरीदना बंद करना है। उसको खरीदना बंद कर देंगे तो हमारा जो दुकानदार है उनका नुकसान हो जाएगा, ना कि चाइना का नुकसान होगा। और पॉइंट नंबर सेवन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने जो अनबॉक्सिंग किया था वो ब्लूटूथ स्पीकर का, मैंने उसके ऊपर कोई भी रिव्यू नहीं दिया है, वो ब्लूटूथ स्पीकर अच्छा है बुरा है कुछ भी नहीं दिया है। फिर भी लोग क्यों इतना सोचने लग जाते हैं, भाई मुझे कहीं से पैसा वैसा मिल रहा है क्या, मैं उस चीज को प्रमोट करूंगा? भाई मुझे पैसा मिल भी जाएगा तो मेड इन चाइना का प्रोडक्ट मैं प्रमोट नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपका कुछ कमेंट सुझाव और क्वेश्चन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पता है ना लाल कलर का बटन, फोड़ देने का उसको,
हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।